1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, लेकिन दूसरे परमाणु परीक्षण की बात ही कुछ और थी। दरअसल भारत ने 1998 में अमेरिका की सैटेलाइट की निगरानी से बचकर लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, या यूं कहें कि इस परीक्षण ने ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, तो चलिए जानते हैं कि इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए क्या कुछ किया गया। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा परमाणु परीक्षण किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यहाँ लाइट, कैमरा, एक्शन सब कुछ था। कुछ सीक्रेट मिशन की शुरुआत होती है राजस्थान के पोखरण से, जहाँ भारत ने 1998 में 5 परमाणु परीक्षण को सफल बनाया। ये बात है उस दौर की, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इस कदम के साथ ही दुनिया भर में भारत की चर्चा शुरू हो गई थी। परीक्षण के अगले साल 11 मई से भारत सरकार ने रिसर्जेंट इंडिया डे मनाने का फैसला किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के साथ साथ भारत के सभी दुश्मन देश चाहते थे कि ये परमाणु परीक्षण किसी भी कीमत पर ना हो पाए। इसके लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर एक हरकत पर नजर रख रही थी, और उसने अरबों रुपए खर्च कर सिर्फ पोखरण पर नजर रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। इन सैटेलाइट्स की खासियत ये थी कि जमीन पर खड़े भारतीय सैनिक की घड़ी का समय भी देख सकते थे। लेकिन भारत ने इन्हें भी मात दे दी, जिसके बाद CIA की इंटेलिजेंस पर सवाल उठने लगे। जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर पोखरण एक कस्बा है। परमाणु परीक्षण के लिए भारत ने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत दूर थी। दुनिया की नजरों से छिपकर ये काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों के पास परमाणु परीक्षण करता है, और भारत के इस पोखरण में छिपकर सीक्रेट मिशन को अंजाम देना आसान काम नहीं था। यहाँ उगी थोड़ी बहुत कटीली झाड़ियाँ, जिनकी लंबाई बस कंधे तक थी। ऐसे में बिना किसी की नजर में आए परमाणु परीक्षण करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन हमारे जाबाज वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की। उन्होंने रेगिस्तान में बालू के बड़े बड़े कुएं खोदकर उसमें परमाणु बम रखे, और फिर उनको बालू से ढकने का काम बखूबी किया। इन कुओं के ऊपर बालू के पहाड़ बनाए गए, जिन पर मोटे मोटे तार निकले थे, जिसके बाद आग लगाई गई और बहुत जोर का धमाका हुआ। धमाके के बाद ग्रे कलर का बड़ा सा बादल बन गया और विस्फोट की जगह एक बड़ा सा गड्ढा। वहीं इस जगह से कुछ दूरी पर 20 वैज्ञानिकों का एक ग्रुप पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। कहते हैं कि जैसे ही ये विस्फोट हुआ, तो एक वैज्ञानिक ने हवा में मुट्ठी उठाते हुए कहा कि कैच अस इफ यू कैन, यानी अगर पकड़ सको तो हमें पकड़ो। दरअसल ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी को खुली चुनौती के तौर पर बोला गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण से जुड़े कई राज भी हैं, जिन्हें कभी पूरा बताया नहीं गया। ऐसे में लेखक राज चिंगप्पा ने इस पर किताब लिखी, जिसका नाम था वीपन्स ऑफ पीस, यानी शांति के हथियार। इस किताब में ऐसे कई किस्से हैं जो हिंदुस्तानी जाबाजी और इंटेलिजेंस की गवाही देते हैं। इन्हीं में से कुछ किस्से इस तरह से हैं। इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए इंडियन आर्मी की मदद ली, और आर्मी की 58 इंजीनियरिंग रेजिमेंट इस मिशन का हिस्सा बनी। रेजिमेंट के कमांडेंट थे कर्नल गोपाल कौशिक। इनकी देखरेख में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया गया। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए कहा गया था। इस मिशन में DRDO के तत्कालीन चीफ APJ अब्दुल कलाम और AEC के चेयरमैन आर चिदम्बरम शामिल थे। साथ ही इन दोनों संस्थाओं के 80 वैज्ञानिक भी, जो परीक्षण स्थल का जायजा लेने आते जाते रहते थे। किसी को इन पर शक ना हो, इसलिए इन सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था। इस परीक्षण से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि यहाँ सभी को उनके नामों की बजाय कुछ और नाम दिए गए थे। इस दौरान इन लोगों के इतने सारे उपनाम हो चुके थे कि एक वैज्ञानिक ने मजाक में कहा कि वैज्ञानिकों के लिए नाम याद करने के बजाय अपने फिजिक्स के कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान है। बताया जाता है कि जिस फील्ड में परीक्षण किया जाना था, वहां दिन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आयोजित की जाती थीं, और इसमें सेना के जवानों के साथ वैज्ञानिक भी सैनिक वर्दी में हिस्सा लेते थे।
जैसे ही भारतीय वैज्ञानिकों को पता चलता कि यहाँ नजर रखने वाली सैटेलाइट की नजर धुंधली हो गई है, फौरन वे खुदाई कर परीक्षण में जुट जाते थे। इस मिशन से जुड़ी एक और मजेदार बात ये है कि ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोड वर्ड में बात की जाती थी, जैसे क्या सियरा अभी कैंटीन में विस्की पिला रही है, क्या स्टोर आ चुका है, जिनमें कैंटीन का मतलब सीक्रेट चैम्बर और सियरा माने साइंटिस्ट होता था। इसका मतलब होता था कि क्या वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह DRDO की टीम को चार्ली, BARC की टीम को ब्रावो और मिलिट्री को माइक कहा जाता था। परीक्षण के सामान को सबसे छिपाते हुए आलू प्याज के ट्रकों में लाया जाता था। इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। बम के दस्तों को लेकर भी कई सावधानियां बरती गईं ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। भारतीय हाइड्रोजन बम का नाम व्हाइट हाउस और एटम बम के एक दस्ते का नाम ताजमहल रखा गया था। इनके अजीबोगरीब नाम रखने के पीछे अफसरों का ये मानना था कि जितना अजीब नाम होगा याद रखने में उतनी ही आसानी होगी। हालांकि ये नाम डिप्लोमेटिक तौर पर बहुत ही विवादास्पद नाम थे। इस मिशन के बमों के नाम कुछ इस तरह थे। शक्ति 1, एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस 45 किलो टन की पावर का था लेकिन इसे 200 किलो टन तक के लिए बनाया गया। शक्ति 2, एक प्लूटोनियम इम्प्लोशन 15 किलो टन की पावर का, जिसे एक बम या मिसाइल की मदद से एक वारहेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिवाइस 1974 के स्माइलिंग बुद्धा के परीक्षण में इस्तेमाल किया गया। शक्ति 3, ये एक एक्सपेरिमेंटल लीनियर इम्पल्स डिजाइन था जिसमें नॉन वीपन ग्रेड प्लूटोनियम का यूज किया गया। ये न्यूक्लियर फिशन के लिए जरूरी सामग्री थी जो 0.3 किलो टन का था। शक्ति 4, एक 0.5 किलो टन की एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। शक्ति 5, एक 0.2 किलो टन की एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। इसके अलावा एक और बम था लेकिन उसका परीक्षण नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि पोखरण के सबसे नजदीकी गांव खेतोलाई के लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। परीक्षण के कुछ समय पहले ही गांव खाली कराए गए थे। इससे पहले 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरान किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। दूसरे परीक्षण की सफलता पर भारतीय जनता ने इसे खूब सराहा लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तीखी प्रतिक्रिया थी, जिसके बाद भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए। इस परीक्षण के बाद अब्दुल कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा था लेकिन तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने तय किया कि वो आगे बढ़कर परीक्षण करेंगे। इसके साथ ही भारत एक परमाणु ताकत बना। भारत के इस परमाणु परीक्षण की सफलता से दुनिया भर में भारत का झंडा गर्व से लहरा रहा था और हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से ऊंचा हो गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा कोई और प्रधानमंत्री होता तो क्या इतना बड़ा डिसीजन ले सकता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।